मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आज हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के 50 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाले हैं तो सबसे पहले बता दें दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और ये क्वेश्चन हर वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर किसी अन्य कंपटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो और अगर आप डी एम नर्सिंग या किसी अन्य एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं यानी कि स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं उसको एनजियोलॉजी कहा जाता है यानी कि जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करते हैं तो उस स्टडी को हम एनजियोलॉजी कहते हैं दूसरा क्वेश्चन है फादर ऑफ एनजियोलॉजी यानी कि एनजियोलॉजी का फादर कौन है तो आपको बताना है विलियम हार्वे जो एनजियोलॉजी का फादर है वो है विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड बाई यानी कि जो ब्लड ब्लड का सर्कुलेशन है उसको उसकी खोज किसने की या उसको किसने डिस्कवर्ड किया तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ठीक है सर्कुलेस सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है आ, परिसंचरण तंत्र और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है रक्त परिसंचरण तंत्र तो हमारी बॉडी में जो है कितने प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं तो दो प्रकार के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दूसरा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं वो ऐसे ही चारों हमारे हमारे सारे ऑर्गन्स में ऐसे ब्लड फ्लो होता रहेगा और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनमें जो है डिफरेंट uh, टाइप्स की आर्टरी वेंस या फिर ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी और उनके माध्यम से पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहेगा विस्ट टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड्स इन ह्यूमन बॉडी हमारे मानव शरीर में या फिर ह्यूमन में ऐसा मतलब कौन सा किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है यानी कि किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड्स इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बींग यानी कि ह्यूमन uh, बींग जो होते हैं उनमें किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है विश टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड्स इन कॉकरोच कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विश टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड्स इन यानी कि इन सब में किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है कॉकरोच में स्नेल्स में ऑक्टोपस में बटरफ्लाई में इंसेक्ट्स में तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है जो कॉकरोच होता है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है खुला परिसंचरण तंत्र और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका मतलब होता है बंद परिसंचरण तंत्र तो ये सेवन एट नाइन टेन एलेवन मैंने इसलिए इसको पांच क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है जैसे कि कॉकरोच में पूछे तब भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और जो स्नेल्स होते हैं उसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ऑक्टोपस में भी बटरफ्लाई में भी इंसेक्ट्स में भी तो इन सारों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और जो ह्यूमन होता है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों पाया जाता है क्योंकि जो ह्यूम्स होता है उसमें जो ब्लड का सप्लाई होता है वो डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल जैसे कि वेंस आर्टरी और कैपिलरी इनके माध्यम से पूरी बॉडी में जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है लेकिन जो ऑक्टोपस कॉकरोच और बटरफ्लाई इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनमें जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इनमें कोई भी प्रकार की ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं ऐसे पूरे शरीर में ही ऐसे ही बिना ब्लड वेसल्स के ऐसे पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्व नंबर पीएच ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का पीएच कितना होता है खून का पीएच कितना होता है सेवन पॉइंट थ्री टू सेवन पॉइंट फोर स्टडी अबाउट ब्लड ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं उसको का क्या कहा जाता है यानी कि जब हम खून के बारे में अध्ययन कहते हैं करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है हिमेटोलॉजी यानी स्टडी अबाउट ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोपोलॉजी वाट ब्लड इज़ ए organ? क्या ब्लड एक ऑर्गैन है आपको पता होना चाहिए कि ब्लड एक ऑर्गैन है और वो किस प्रकार का ऑर्गैन है आप उसे कह सकते हैं सर्कुलेट्री ऑर्गन या फिर लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन यानी कि ये जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है इसलिए इसको हम लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं और ये एक ऑर्गन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड एक लिक्विड कनिशन सर्कुलेटरी ऑर्गैन है या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गैन है यानी कि एक अंग है तो खून को हम एक अंग भी कहते हैं ब्लड इज़ ए विस्ट टाइप ऑफ ऑर्गन ब्लड यानी कि खून हमारा किस प्रकार का ऑर्गन अंग है यानी कि ब्लड किस प्रकार का अंग है तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन या फिर मिसोडर्मल ऑर्गन है यानी कि जो हमारा ब्लड है उसको मिसोडर्मल ऑर्गन भी कहा जाता है या फिर लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गैन कहा जाता है तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड इज ए विस्ट टाइप ऑफ ऑर्गैन तो आपको ये ज़रूर याद रखना है ये तो आपको याद ही रहेगा कि यह एक सर्कुलेटरी ऑर्गेन है लेकिन ये भी याद रखना है कि मीशोडर्मल ऑर्गेन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है सिक्सटीन सोलह नंबर का ब्लड इज़ विच टाइप्स ऑफ सोल्यूशन यानी कि ब्लड किस प्रकार का सोल्यूशन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है जो हमारा ब्लड होता है वो एक कैसा सोल्यूशन होता है तो वो एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है सेवनटीन नंबर वेयर द ब्लड फॉर्मेशन अकर यानी कि जो ब्लड का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है तो बोन मैरो में होता है तो जो हमारा ब्लड होता है उसका कहाँ पर होता है निर्माण बोन मैरो तो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है इनब्राइ एम्ब्रायनिक स्टेज वेयर द ब्लड फॉर्मेशन अकर एट्टीन नंबर का क्वेश्चन ये है कि जो एम्ब्रायनिक स्टेज होती है उस स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है या फिर किस जगह पर होता है तो जो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में या फिर स्प्लीन में होता है जो मोस्टली होता है वो लीवर में होता है और जो थोड़ा मात्रा में होता है वो स्प्लीन में होता है यानी कि जो जब बच्चा माँ की पेट में होता है तो उस बच्चे के अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है यानी खून का जो बनना होता है वो किस स्थान में होता है तो यानी कि यकृत यानी कि लीवर में होता है तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है एम्ब्रॉयिंग स्टेज में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लीवर या फिर स्प्लिन में होता है नाइन्टीन नंबर का क्वेश्चन नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड इन मेल यानी कि मेल में यानी कि पुरुषों में या फिर मेल कैंडिडेट में ब्लड का नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज क्या होती है तो पाँच से छः लीटर जो है ये पुरुषों में यानी कि मेल कैंडिडेट में पाया जाएगा ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड इन फीमेल फीमेल में फीमेल में ब्लड की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है यानी कि खून का ब्लड का मतलब खून यानी कि ब्लड की नॉर्मल वैल्यू फीमेल में कितनी होती है तो आपको पता होना है चाहिए कि चार से पाँच लीटर होता है यानी कि फीमेल में जो है ब्लड मेल की अपेक्षा थोड़ा कम होता है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन का क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी ब्लड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी ऑफ टोटल बॉडी वेट यानी कि मनुष्य के बॉडी के वेट का कितना परसेंट भाग जो है ब्लड होता है तो टोटल बॉडी वेट का सात से आठ परसेंट भाग जो है ब्लड होता है यानी कि जो जितना भी मनुष्य का बॉडी का वेट होगा उसका सेवन टू एट परसेंट भाग उसका ब्लड होगा यानी कि टोटल बॉडी का जो वेट होगा उसका सात से आठ परसेंट भाग ब्लड होगा व्हाट कलर ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का कलर कैसा होता है खून का कलर कैसा होता है तो आपको पता होगा कि रेड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री विच पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड यानी कि जो ब्लड का रेड कलर होता है उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कलर हो वो पिगमेंट पे बेस्ड होता है यानी कि उस कलर के लिए कोई भी आ, हमारी बॉडी में कोई भी फ्लूट्स हो या एनी हो तो उसके लिए पिगमेंट्स जिम्मेदार होते हैं पिगमेंट्स का मतलब होता है वर्णक तो पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसी प्रकार से अगर ब्लड का रेड कलर है तो उसके लिए भी पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो कौन से पिगमेंट्स होते हैं जिनके कारण ब्लड जो है रेड कलर का होता है तो वो होता है हीमोग्लोबिन ट्वेंटी फोर नंबर का क्वेश्चन विच सब्सटेंस और मिनरल्स प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन यानी कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस पदार्थ है या फिर मिनरल्स है जो कि हमारे हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन जो होता है ऐसा मिनरल्स होता है या सब्सटेंस होता है जो कि हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है विच प्रोटीन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोजेंट प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो ग्लोबिन जो होती है ग्लोबिन प्रोटीन जो है प्रेजेंट होती है किसमें कि हीमोग्लोबिन में यानी कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबिन प्रोटीन हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होती है और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है तो ग्लोबिन एक कैसी प्रोटीन होती है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है विच फॉर्म ऑफ आयरन प्रजेंट इन ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ब्लड ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ह्यूमन ब्लड में या ह्यूमन बॉडी में या फिर ह्यूमन ब्लड में जो आयरन का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट होता है तो हमारी बॉडी में या फिर हमारे ब्लड में जो आयरन होता है वो फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है विच फॉर्म ऑफ आयरन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ब्लड यानी कि मनुष्य के शरीर में या फिर मनुष्य के ब्लड में आयरन का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट होता है क्योंकि आयरन टू फॉर्म में होता है एक फेरस फॉर्म होता है एक एफी थ्री प्लस होता है एक फेरिक फॉर्म होता है तो जो फेरस फॉर्म में होता है वो आयरन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में फेरस फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होता है नेचुरल कलर ऑफ हीमोग्लोबिन ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा गया क्वेश्चन कि जो नेचुरल कलर होता है हीमोग्लोबिन का वो कैसा होता है यानी कि प्राकृतिक कलर नेचुरल का मतलब प्राकृतिक नेचुरल कलर ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का नेचुरल कलर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए पर्पल कलर यानी कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसका नेचुरल कलर पर्पल कलर का होता है नेक्स्ट है आपका ट्वेंटी एट नंबर का क्वेश्चन नॉर्मल रेंज ऑफ एच बी इन मेल यानी कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है किसमें मेल में तो मेल में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज चौदह से सोलह ग्राम पर डे लीटर होता है नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन फीमेल फीमेल कैंडिडेट में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है तो साढ़े बारह से साढ़े चौदह ग्राम पर डे लीटर होता है यानी कि फीमेल में साढ़े बारह से साढ़े चौदह ग्राम पर डे लीटर हीमोग्लोबिन होता है मेल की अपेक्षा फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है क्योंकि जब ब्लड की ही मात्रा फ़ीमेल में कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हीमोग्लोबिन एंड अदर सब्सटेंसेस की जो उसमें होंगे हमारे ब्लड में उनकी भी मात्रा कम होगी हाउ मेनी थर्टी नंबर का क्वेश्चन तीस नंबर का हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के ब्लड प्रेजेंट होते हैं यानी कि कितने प्रकार का ब्लड या फिर खून मनुष्य के शरीर में ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी तो मानव शरीर में टू टाइप्स का ब्लड प्रेजेंट होता है ओ टू और सी ओ टू मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको वो भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सा प्रकार है ओ टू का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड जिसको हम प्योर ब्लड कहते हैं यानी कि शुद्ध रुधिर और सी ओ टू का मतलब होता है डी ऑक्सीजनेट यानी कि इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रुधिर तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है मनुष्य के शरीर में या ह्यूमन में दो प्रकार का रुधिर पाया जाता है या ब्लड पाया जाता है एक ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड नेक्स्ट थर्टी वन क्वेश्चन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड कार्ड यानी कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ब्लड उसको हम क्या कहते हैं तो उसको हम प्योर ब्लड कहते हैं नेक्स्ट थर्टी टू क्वेश्चन कार्बो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड कार्ड यानी जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड होता है उसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं कलर ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन या फिर प्योर ब्लड यानी कि जो प्योर यानी शुद्ध रुधिर होता है उसका कलर क्या होता है तो उसका कलर जो होता है वो रेड होता है यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे या फिर ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहेंगे या फिर प्योर ब्लड कहेंगे यानी कि जो प्योर ब्लड होता है या फिर शुद्ध रुधिर जो होता है वो किस कलर का होता है तो आपको पता होना चाहिए वो रेड कलर का होता है थर्टी फोर के नंबर का क्वेश्चन कलर ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या फिर इम्प्योर ब्लड जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है कार्बोक्सी का मतलब होता है कि जिस हीमोग्लोबिन या जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड सीओ की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे या फिर इम्प्योर ब्लड बोलेंगे या फिर अशुद्ध रुधिर बोलेंगे तो उसका कलर क्या होता है उसका कलर होता है डार्क ब्लू अथवा ब्लैक कलर का यानी कि जो अशुद्ध रुधिर होता है उसका कलर डार्क ब्लू या फिर ब्लैक कलर का होता है परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड यानी कि हमारा जो ब्लड होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है एक लिक्विड पार्ट दूसरा सॉलिड पार्ट तो जो प्लाज्मा होता है वो हमारा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का यानी कि लिक्विड पार्ट होता है और जो सॉलिड पार्ट क्या होता है हमारी जो एलिमेंट्स या फिर सेल्स जो पाई जाती हैं वो हमारे ब्लड का सॉलिड पार्ट्स होता है तो हाउ मेनी परसेंट ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड यानी कि ब्लड में कितने परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है तो पचपन परसेंट फिफ्टी फाइव परसेंट यानी कि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है वो पचपन परसेंट होता है परसेंटेज ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स या फिर सेल्स इन ब्लड जो हमारे ब्लड में सॉलिड सॉलिड स्टे यानी कि सॉलिड फॉर्म होता है या फिर सॉलिड एलिमेंट्स या फिर सेल्स होते हैं ब्लड में वो कितने परसेंट होते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि फोर्टी फाइव परसेंट हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो टू पार्ट से मिलकर बना होता है एक लिक्विड पार्ट और दूसरा सॉलिड पार्ट जो लिक्विड पार्ट्स होता है वो प्लाज्मा होता है जो सॉलिड पार्ट होता है वो सेल्स होता है तो हमारे ब्लड में फिफ्टी फाइव परसेंट लिक्विड पार्ट होता है और फोर्टी फाइव परसेंट सॉलिड पार्ट्स होता है थर्टी सेवन नंबर का क्वेश्चन कलर ऑफ प्लाज्मा जो प्लाज्मा होता है उसका कलर क्या होता है तो पेल येलो कलर का होता है या फिर लाइट कलर होता है तो जो हमारे प्लाज्मा का कलर होता है वो पेल येलो कलर होता है या फिर लाइट कलर होता है थर्टी एट नंबर का क्वेश्चन कलर ऑफ प्लाज्मा पेल येलो ड्यू टू यानी कि जो प्लाज्मा का कलर होता है पेल येलो वो किसकी कारण होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मा का कलर पेल येलो होता है वो वो भी किसी पिगमेंट की ही वजह से होगा और उस पिगमेंट को हम बिलरुबिन कहते हैं यानी कि प्लाज्मा का पेल ये होना वो किसके कारण होता है वो एक पिगमेंट के कारण होता है और उस पिगमेंट का नाम होता है बिलरुबिन थर्टी नाइन नंबर का क्वेश्चन बिलरुबिन सिंथसाइज बाई बिलरुबिन का निर्माण किसके द्वारा होता है या कहाँ पर होता है तो आपको पता होना चाहिए कि लीवर के द्वारा यानी जो बिलरुबिन होता है वो लीवर के द्वारा सिंथेसाइज होता है फोर्टी नंबर क्वेश्चन चालीस नंबर बिलीवर्डिन सिंथसाइज बाइल बिलीवर्डिन किसके द्वारा बनता है वो भी लीवर के द्वारा बनता है ये दोनों एक प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं बिलरुबिन और बिलीवर्डिन बिलरुबिन जो होता है इसके कारण जो हमारा प्लाज्मा होता है वो पेल येलो कलर का होता है और जो बिल बिलीवर्डिन होता है इसके कारण जो हमारा जो बाइल होता है वो ग्रीन कलर का होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कलर ऑफ बाइल यानी जो हमारा बाइल्स होता है उसका कलर कैसा होता है यानी कि जो हमारा बाइल्स का मतलब होता है पित्त तो बाइल्स का कलर ग्रीन होता है अब यह ग्रीन कलर किसके कारण होता है तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये बिलीवर्डिन के कारण होता है फोर्टी टू नंबर कलर ऑफ बाइल ग्रीन ड्यू टू यानी कि जो बाइल का कलर ग्रीन होता है वो किसके कारण होता है तो बिलीवर्डिन के कारण होता है तो जो ग्रीन कलर बाइल का हमारा ग्रीन ग्रीन कलर होता है हरे रंग का जो हमारा पित्त होता है वो किसके कारण होता है तो वो बिलीवर्डिन के कारण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन फोटी थ्री इंक्रीजेज ऑफ में काज अगर हमारी बॉडी में बिलरुबिन की मात्रा अधिक हो जाएगी या इनक्रीज हो जाएगी तो क्या हो सकता है तो ज्वाइंडिस हो सकता है यानी कि ज्वाइंडिस हो सकता है अगर बिलरुबिन की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो ज्वाइंडिस हो सकता है हाउ मैनीसेंट इज वाटर प्रजेंट इन प्लाज्मा हमारा जो प्लाज्मा होता है प्लाज्मा क्या होता है हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है तो कितने परसेंट प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होता है यानी कि हमारे प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है तो नाइन्टी से नाइन्टी टू परसेंट वाटर होता है यानी कि प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होता है नब्बे से बानवे परसेंट हाउ मैनी परसेंट प्रोटीन प्रजेंट इन प्लाज्मा और प्लाज्मा में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है तो सात से आठ परसेंट सात से आठ परसेंट प्रोटीन पाई जाती है किसमें प्लाज्मा में हाउ मेनी परसेंट आयंस और ग्लूकोज प्रजेंट इन प्लाज्मा अब कितने परसेंट आयन्स या ग्लूकोज प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं तो वन से टू परसेंट वन से टू परसेंट ग्लूकोज या फिर प्लाज्मा हमारे वन से टू परसेंट ग्लूकोज या आयंस हमारे प्लाज्मा में प्रजेंट होते हैं विच आयंस प्रजेंट इन प्लाज्मा ऐसे कौन से आयंस होते हैं जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम और क्लोराइड ये तीनों आयन्स जो हैं हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं यानी कि जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है ये उसमें ये तीन आयन्स पाए जाते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम और क्लोराइड रेगुलेशन ऑफ आयंस साइट्स और मिनरल्स कार्ड जो रेगुलेशन होता है बैलेंस में करना यानी रेगुलेशन का मतलब कि रेगुलेशन यानी बैलेंस करना यानी कि रेगुलेशन ऑफ आयन साल्ट्स या मिनरल्स कार्ड यानी कि जो आयंस का रेगुलेशन हो या फिर साल्ट का रेगुलेशन हो या फिर मिनरल्स का रेगुलेशन हो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे तो उसको हम आश्मो रेगुलेशन कहते हैं यानी कि आयंस का रेगुलेशन या फिर साल्ट का रेगुलेशन या फिर मिनरल्स का रेगुलेशन इनको हम आश्मो रेगुलेशन कहा जाता है तो बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि रेगुलेशन ऑफ आयंस इज कार्ड तो आपको वो याद होना रखना चाहिए कि ऑश्मो रेगुलेशन स्टडी ऑफ सेल्स फोर्टी नाइन नंबर का क्वेश्चन है स्टडी अबाउट सेल्स या स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी यानी कि जब हम सेल्स की अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है तो उसको साइटोलॉजी कहा जाता है यानी सेल्स का मतलब कोशिका कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है यानी कोशिका विज्ञान कहा जाता है फिफ्टी नंबर का क्वेश्चन आर बी सी इज आल्सो कॉल्ड आर बी सी को और क्या कहा जाता है तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है यानी कि हम आर यानी रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच दोस्तों ओके बाय बाय टेक केयर